तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। गदर 2 और OMG 2 की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है, लेकिन देखा जाए तो फेवर गदर 2 के पास ही जा रहा है, क्योंकि गदर फर्स्ट की जो छाप है लोगों के दिलो दिमाग में, इसका बहुत एडवांटेज मिल रहा है गदर 2 को। दूसरा, सेंसर बोर्ड ने OMG 2 की धज्जियाँ उड़ाई, वो हम सब जानते हैं। मूवी को ए सर्टिफिकेशन की रेटिंग देकर जनता के सामने रखा जाएगा, तो एडवांस बुकिंग में दोनों ही फिल्में धमाल तो कर रही हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग के मामले में OMG 2 कहीं ना कहीं गदर 2 से मार जरूर खा रही है। तो आज जानेंगे कि एडवांस बुकिंग में कौन कितने आगे है, अभी तक कितना एडवांस बुकिंग और कलेक्शन हो चुका है, पहले दिन कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है दोनों फिल्मों में, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी सनी पाजी, अक्षय पाजी और पंकज त्रिपाठी के डाई हार्ट फैन हैं और दोनों फिल्मों का ही इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले OMG 2 की। तो यस, OMG 2 को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय बाजी देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है। इसी के साथ दोस्तों, जनता को ट्रेलर बहुत पसंद आया है। बात अगर एडवांस बुकिंग की करें तो यस, आज 5 दिन पूरे हो जाएंगे एडवांस बुकिंग के, लेकिन दोस्तों उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्में अपने पहले 5 दिन तक 4 से 5 करोड़ तक का कलेक्शन सिर्फ एडवांस से ही कर लेती है, लेकिन मूवी अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख तक के आसपास ही कलेक्शन कर पाई है और अभी तक सिर्फ 45,000 टिकट ही बेच पाई है। लेकिन देखा जाए तो रक्षाबंधन और राम सेतु से कहीं अच्छा एडवांस भी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है OMG 2 को, लेकिन उतना जबरदस्त देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि अक्षय बाजी को मिलना चाहिए। तो गदर 2 के सामने खड़ा हो पाना मूवी को बहुत भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ गदर 2 एक तरफा कलेक्शन कर रही है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि मूवी दमदार नहीं होगी, पक्का होगी, क्योंकि मेकर्स ने सबसे बड़ा मास्टर गेम यहां खेला है कि ट्रेलर में बहुत कुछ रिवील ही नहीं करा है, उल्टा टीजर में जो सीन दिखाए गए थे आधे वही डाल दिए हैं। तो मूवी में अभी बहुत कुछ है देखने को, क्लाइमेक्स क्या होने वाला, एक्चुअल स्टोरी क्या होने वाली है, एवरीथिंग, ये सब हमें 11 अगस्त को पता लगी जाना है। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को लगभग 2000 से 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज करा जाना है, और जिस हिसाब से जनता की तरफ से मूवी को रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिस हिसाब से रिव्यू मिल रहे हैं और जिस हिसाब से एडवांस में कलेक्शन कर रही है मूवी, लगभग अपने पहले दिन में डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर सकती है, मीन 14 से 15 करोड़ तक की सॉलिड ओपनिंग ले सकती है कम से कम, अगर छोटा से छोटा आंकड़ा लगाया जाए तो। और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में लगभग 150 करोड़ का आंकड़ा आराम से पहुंचा सकते। बात करें दूसरी फिल्म यानी गदर 2 की, तो जी हां दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड सिनेमा के काफी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और गदर 2 को जनता से भी काफी प्यार मिल रहा है। लोग दबा के शोज के टिकट खरीद रहे हैं और अभी तक गदर 2 ने सिर्फ एडवांस से लगभग 6 करोड़ 80 लाख से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है इंडिया में। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो लगभग 9 करोड़ के आसपास जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। इसी के साथ दोस्तों, गदर 2 अभी तक 2,27,000 से ऊपर टिकट बेच चुकी है और सिर्फ PVR, INX और सिनेपोलिस में 87,000 टिकट बेच चुकी है, जो कि संजू मूवी को काफी पीछे छोड़ चुकी है और ब्रह्मास्त्र के रिकॉर्ड तोड़ने की रफ्तार में आगे बढ़ते जा रही है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ने लगभग 1,02,000 टिकट बेचे थे एडवांस में रिलीज होने से पहले। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को लगभग 2,000 से 2,500 स्क्रीन्स मिलने वाली है, क्योंकि OMG 2 के साथ जो क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत सी चीजें गदर 2 को बांटनी पड़ जा रही है। और एक्सपर्ट्स द्वारा मोटा मोटा आंकड़ा ये भी लगाया जा रहा है कि मूवी 11 अगस्त से पहले यानी रिलीज होने से पहले सिर्फ एडवांस से 20 करोड़ तक का मिनिमम कलेक्शन तो कर ही सकती है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। नो डाउट दोस्तों, OMG 2 के सामने गदर 2 एक तरफा कलेक्शन ले जाएगी बॉक्स ऑफिस में और फैमिली वाली ऑडियंस पसंद भी गदर 2 को ही करेगी, क्योंकि OMG 2 की एक छवि वहां से खराब ये हो रही है कि मूवी को ए सर्टिफिकेशन के दायरे में रिलीज करा जाना है, मींस एडल्ट कंटेंट के रूप में रिलीज करा जाना है, तो जो फैमिली टुगेदर वाली ऑडियंस है वो स्विच करके गदर 2 में ही आना पसंद करेगी, क्योंकि गदर 2 फैमिली ड्रामा एक्शन से भरी पारिवारिक मूवी है। इन्हीं सब आंकड़ों को देखा जाए तो मूवी को अपने पहले दिन में 35 से 40 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा इंडिया में, और पूरी दुनिया से पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग में लगभग 55 से 60 करोड़ के ऊपर आराम से जा सकता है, और पहले 5 दिन में ही बिगेस्ट ग्रॉसर बनकर उभरेगी ये मूवी, अराउंड 120 करोड़ के आंकड़े को ले जा सकती है अपने पहले 5 दिन के वीकेंड में। बात अगर पूरी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो लगभग 400 से 450 करोड़ का आंकड़ा छोटा से छोटा अगर लगाया जाए, सेट करा जाए, तो इतना कमा सकती मूवी पूरी दुनिया से। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, गदर 2 और OMG 2 में ब्लॉकबस्टर हिट कौन सी फिल्म जाएगी, कौन सी फिल्म ज्यादा बिजनेस करके जाएगी, क्या अक्षय पाजी गदर 2 को खदेड़ देंगे? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स और अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।